बैगन का भाजी बहुत तीखा है। मैं इसको खा के देख, ये बहुत टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं सीधे आपको मिल रही हूँ। कल सुबह होके बारिश जो मैंने आपको दिखाया था, तो बारिश बहुत ही तेज़ हो रहा था। आज मैं आपको सुबह मिल रही हूँ 10 बजे, और मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। और आज है दिन थर्सडे, तो थर्सडे दिन होने के कारण मेरे हस्बैंड को आप लोग देख सकते हो, येल्लो येल्लो टी शर्ट, जरा सा चेहरा तो दिखा दो, और येल्लो येल्लो टीका। तो आज थर्सडे है, इसीलिए इन्होंने आज येल्लो टी शर्ट पहना है, येल्लो टीका लगाया है, और अभी ये खाना खा रहे हैं। और खाना खा के निकलेंगे ड्यूटी, और ये ड्यूटी निकलेंगे तो मैं भी अपने घर के काम को निपटाने के बाद नहाती हूँ, फ्रेश होती। तीखा बन गया है खाना ना? बहुत तीखा भाई, खासकर बैगन का भाजी बहुत तीखा है। आराम से आराम। सो गाइस, तो मैं भी नहा चुकी हूँ और फ्रेश हो गई हूँ। पूजा भी मैंने कर लिया है, तो आज है थर्सडे, इसलिए मैंने भी येल्लो येल्लो पहना है। तो मैंने येल्लो येल्लो ड्रेस पहना है। आप इस ड्रेस को पहले भी देख चुके हो, तो ये प्लाजो सेट कुर्ती है, और ये मैं पहले भी पहन चुकी, इसलिए मुझे इसे दिखाने का ज़रूरत नहीं है। और मैंने पूजा भी कर लिया है, येल्लो येल्लो टीका भी मैंने आज लगाया है, क्योंकि आज थर्सडे है, इसलिए तो थर्सडे को कोशिश करना चाहिए कि हम येल्लो ड्रेस ही पहने, येल्लो कपड़े ही पहने। तो अब चलती हूँ मैं खाना खाने, और खाना खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। बहुत मारे। सो गाइस, तो हमारा खाना पीना हो चुका है, और मुझे अभी अभी एक पार्सल रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ है, तो इसमें है इयररिंग। तो चलिए मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, तो मैंने एक इयररिंग्स मंगवाया था, ये आप लोग देख सकते हो जिस तरीके का ये। सो गाइस, तो कुछ इस डिजाइन का ये इयररिंग्स है, ये आप लोग देख सकते हो, मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं इसे पहन के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। और मुझे घर में इयररिंग्स वगैरह डाल के रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे लगता है कि मतलब कान वगैरह में मुझे खुजली वगैरह होने लगता है, इसलिए मैं जब कहीं जाती हूँ तभी इयररिंग्स वगैरह पहनती हूँ। ऐसे मुझे घर में आप बहुत कम ही देखते होंगे, ओकेजनली ही पहनती हूँ, या फिर जब मेरा मूड होता है पहनने का तब मैं पहनती हूँ घर में। ऐसे मैं इयररिंग्स घर में बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। ये इयररिंग्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। काफ़ी अच्छा है ये, और कैजुअल ड्रेस के साथ ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। कहीं जा रहे हैं तो फटाक से हल्का सा, हमें जब कुछ डालना हो तो एकदम डाल लो। और ये गोल्डन कलर में है, तो किसी भी ड्रेस के साथ मैच कर जाएगा। कैसा लगा ये इयररिंग्स मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, यहाँ पे लाइट बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि जब मैं एकदम गेट के सामने बैठती हूँ, तो ये गेट है डाइनिंग हॉल का मेन गेट है ये, तो इसके सामने जब मैं बैठती हूँ तो आप लोग देख सकते हो लाइटिंग बहुत ही अच्छा रहता है, दिन में बहुत ही अच्छा लगता है लाइटिंग इसका। और इयररिंग्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या बहुत ही अच्छा इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, तो चलिए अब मेरा हो रहा है सोने का टाइम, और माही वही हमेशा की तरह, उसका भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसका क्लास अभी चलेगा 2 बजे तक। तो आजकल थोड़ा लेट हो गया है, क्लास लेट तक चल रहा है, तो 2 बजे तक उसका क्लास होगा और फिर वो फ्री होगी। वैसे बीच बीच में उसको ब्रेक मिलता रहता है 5-5 मिनट का, और एक बार लंच टाइम भी होता है, तो उस समय माही कुछ खा पी लेती है। और ऑनलाइन क्लास जब भी उसका रहता है तो मॉर्निंग में ही एकदम नहा धोकर फ्रेश हो जाती है, मैंने आपको दिखाया ही।
आया ही था। सो गाइस, तो अब मैं सीधे आप लोगों को मिल रही हूँ इवनिंग में, और मैं अभी जा रही हूँ कुछ चटपटा सा बनाने के लिए। कुछ नया मैं ट्राई कर रही हूँ बनाना, तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी। गाइस, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। तो अभी मैं कम क्वांटिटी में बना के ट्राई कर रही हूँ, टेस्टी लगेगा तो फिर मैं बनाऊंगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी, और अब इसमें मैं डालूंगी मखाना। तो यहाँ पे मैंने ये मखाना डाल दिया है और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और टेस्टी होता है, और मखाना तो हमारे घर में एनी टाइम होता है, क्योंकि जब भी हम ग्रोसरी का सामान लेते हैं तो मखाना भी इसमें जरूरी इंक्लूड करते हैं। तो आपको झटपट और फटाफट से खाने का कोई चीज़ चाहिए तो आप फटाफट से ये वाली चाट बना सकते हो, मखाने की चाट। मैंने ले लिया है 1 बाउल और अब मैं इसमें डालूंगी दही। तो मैं थोड़ा सा बना रही हूँ कम क्वांटिटी में, इसलिए कम दही का यूज कर रही हूँ। और अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे मेरा दही फेंट चुका है, अब मैं डालूंगी दही में थोड़ा सा काला नमक। तो कम क्वांटिटी में बना रही हूँ इसीलिए कम क्वांटिटी में नमक भी डाला है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। तो अभी हम इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और डालूँगी, वो है चीनी। तो हम इसमें थोड़ा सा पीसी हुई चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया है, इसमें मैंने हल्का सा चीनी डाला है, आप पीसी हुई चीनी ही इसमें डालिएगा। तो चलिए, चीनी मैंने डाल दिया है, एक बार और अच्छे से मैं इसे फेंट लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से फेंट चुकी हूँ, और अब इसमें जाएगा मखाना। तो यहाँ पे मैंने मखाना भी डाल दिया है, और अब इसके ऊपर से मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, आलू भी जाएगा थोड़ा सा कट करके। तो मेरे पास आलू का प्लेन, यहाँ पे मैंने आलू का प्लेन भरता बना के रखा हुआ था चोखा, तो मैं वही डाल रही हूँ। आप आलू को बॉइल्ड करके भी इसमें यूज कर सकते हो अलग से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैं डालूंगी चाट मसाला। अब मैं इसमें डालूंगी एकदम महीन वाली सेव भुजिया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एकदम महीन वाली मेरे पास सेव भुजिया है, तो ये मैंने डाल दिया। थोड़ी सी हरी चटनी पहले ही मुझे डालना चाहिए था, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी चटनी। तो गाइस, तो यहाँ पे है मेरे पास ये इमली की चटनी। तो ये जब मैं पिज़्ज़ा वगैरह या फिर समोसा वगैरह मंगाती हूँ, समोसा वगैरह, तो उसमें ये चटनी मिलती है, तो इमली की चटनी है। आप चाहो तो इसे घर में भी बना के डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ये था तो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसे। तो ये गया इसमें इमली की चटनी।
हल्का सा नमक मैं और स्प्रिंकल करूंगी ऊपर से। तो गाइस, तो ये मेरा यमी सा मखाना चाट बनके रेडी है। और यहाँ पे आप चाहो तो पापड़ी जो होता है चाट के ऊपर डालते हैं क्रंचीनेस के लिए, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैंने बस सिंपल तरीके से ऐसे बना लिया है। अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ। आपकी तरह माँ ही टेस्ट करके बताने वाली है कि मम्मा का ये कैसा बना है टेस्टी और यमी सा मखाना चाट। मैं लुक वाइज बता देती हूँ, ये देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी मैं इसको खा के देखती हूँ। ये बहुत टेस्टी है, लेकिन आई थिंक आपको दही में थोड़ा ज्यादा शुगर डालना चाहिए क्योंकि ये मीठा थोड़ा कम है। मिक्स करके खा, चटनी जो ऊपर ना फैला हुआ और फिर वो क्या कहते हैं, मेरे को लगता है ये जो मेरे को लगा था कि वो जो मखाना होगा वो पूरा सॉगी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। ये अभी बहुत क्रंची है और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। लगा कि मैं चाट खा रही हूँ। तो मुझे थैंक यू बोलो। थैंक्स मम्मा, एंड दिस लुक्स रियली डिलिशियस। यस, मुझे भी बहुत मज़ा आया ये बना के और खा के भी। बस इसमें एक चीज़ की कमी रहेगी, वो थोड़ा स्वीटनेस कम है। चीनी मुझे थोड़ा सा और डालना चाहिए था दही में। बाकी ओवरऑल गुड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो इसमें आप एक दो चीज़ और भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, जैसे कि अनार का दाना इसमें आप डाल सकते हो। और एक चीज़ और क्या, पापड़ी चाट जो होता है, पापड़ी चाट पे डालने वाला, वो आप इसमें डाल सकते हो। तो ये दो चीज़ इसमें कमी रह गई है। ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा है। और तेज़ बारिश हो रही है और मैंने यहाँ पे अभी प्राइम वीडियो लगा दिया है, तो मैं अभी प्राइम पे कोई मूवी वॉच करने वाली हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बारिश, फिर से बारिश हो रही है। कल भी बारिश हुई थी जो मैंने आपको दिखाया था, और आज भी बारिश हो रही है। सो गाइस, तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ पे पी रही हूँ कॉफ़ी, और ये कॉफ़ी मुझे दिया है मामी ने बना के, और बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनाया है। थोड़ा सा चीनी जो है इसमें कम है, लेकिन कॉफ़ी बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार है।